છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમદાવાદના માર્ગો ઉપર એક રેસિંગ કાર આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે ત્યારે અમારી સાથે આ કાર બનાવનાર અને જે કાર અમદાવાદના માર્ગ ઉપર ફરી રહી છે તે ઉપસ્થિત છે। દ્રશ્યમાં પણ આપ જોઈ શકો છો ગોકાર્ટ મોડલની આ જે કાર છે તેને બનાવનાર આદિત્ય વૈદ્ય પોતે આ रेसिंग कारनी अंदर बैठा है। शू खासियत है आ रेसिंग कारनी अने अमदावादना मार्गों पर जे रेसिंग कार फरी रही है ते बनावा पाछळनो शू उद्देश्य है तेनी वातचीत आदित्य साथे करीशुं। आदित्य जे प्रकारे तमे आ कार बनावी है शू उद्देश्य अने शू विचारीने तमे आ कार बनावी कारण के रेसिंग माटे आपणे घणी बधी कार टीवी में जोता होईए छे। भारत में रेसिंग ने लईने एटली बधी अवेरनेस नथी परंतु मार्गों पर ओवर स्पीडिंग तो घणा बधा लोग कार चलावता होय छे, पुलिस तेमने दंड पण फटकारती होय छे परंतु रेसिंग कार जेने स्पीड में चलावी शकाती होय छे शुं उद्देश्य तमे आ कार बनावी? सौथी पहला तो जणावुं के आ गाड़ी फक्त ने फक्त रेसिंग ट्रेक पर ज चालशे, बराबर छे। आ हाईवे उपर केवी रीते ऑन रोड उपर चाली शकशे नथी, बराबर छे। आनो उद्देश्य अमारो ए छे के रेसिंग कार जे आवे छे तो अत्यार सुधी टिल डेट पेट्रोल पर वधारे चाली रही है पण अमे एने पेट्रोल ने कन्वर्ट करीने पेट्रोल एंजीन ने रिमूव करीने आपणे लाया छे इलेक्ट्रिक में, बराबर है। तमे जोई सको छो के अहींया एनी बेटरी लागेली है, अहींया एनी मोटर है जे 200 सीसी नुं एंजीन ने रिप्लेस करीने तमे इलेक्ट्रिक मोटर ने अमे कन्वर्ट करीने, बराबर है। अने आनी मेक्सिमम स्पीड है ये अत्यारे अमे 90 नी स्पीड लिमिट करेली है परंतु आ 120 नी स्पीड सुधी आ जई सके छे। आ कोना उपयोग में आवशे कारण के ज्यारे रेसिंग नी वात आवे F1 रेसिंग ने लईने घणा बधाए नाम सांभळ्युं होय छे परंतु आ कया लेवल में आ कार नो उपयोग थई शके छे अने खास करीने बनावता आने केटलो समय थयो छे? आने बनाववा माटे अमने आनी डिजाइन करवा माटे अमने 2 થી 2.5 મહિનાનો टाइम लाग्यो छे बट एक बार अमारी डिजाइन रेडी थया पछी अमे एने 15-18 डेजनी अंदर अमे आने कम्प्लीट करी दीधुं छे अने टेस्टिंग माटे अमे आने सक्सेसफुली 120 ना स्पीड उपर लईने आने टेस्ट करेली छे। प्लस आनी बेटरी अमने एक चार्जनी अंदर 90 to 100 किलोमीटरनी रेंज आपे छे अने मैक्स टू मैक्स 2 आवर्सनी अंदर बेटरी पण फूल चार्ज थई जाय छे। रेसिंग एक्सपीरियंस कोई करवा मांगतुं होय शुं एने पण आ कार तमे बनावीने आपशो कारण के अत्यार सुधीनी कार्स पेट्रोल उपर रेसिंग नी अंदर चालती थी आ तमे इलेक्ट्रिक उपर बनावी छे शुं किंमत आनी पड़शे अने अत्यार सुधीनी जे पेट्रोल नी कार छे एनी शुं किंमत होती थी केटलो फायदो पण थई शके छे ईवी थी? तो फायदो ए छे सौथी पहला तो पेट्रोलनो एक्सपेन्स जे तमे आपणे जोई रह्या छे के पेट्रोलनो एक्सपेन्स वधी रह्यो छे एनी सामे अत्यारे हाफ पण ना कही सकीए एनो साव लिमिट में सपोज आने 16 રૂપિયાથી 20 રૂપિયાનું लागत लागे छे, बराबर है। 100 किलोमीटर ने जवा माटे हवे तमे 100 किलोमीटर ने पेट्रोल में तमने जवुं होय तो कम से कम 200 થી 250 રૂપિયાનો तमारो एक्सपेन्स लागे छे। तो तमे आ एक कही सको छो के आ एक बेनिफिट छे बेटरीजनो इलेक्ट्रिकनो जेम गवर्नमेंट आपणे सपोर्ट करे छे के तमे इलेक्ट्रिक में जाओ तो आपणो एक एज फोकस है कि आने आपणे इलेक्ट्रिक में आगळ वधारीए। स्टूडंट माटे छे आ स्टूडंट पण आनी उपर शीखी शके छे के अत्यार सुधी पेट्रोलनी गाड़ी आवती थी हवे स्टूडंटने वधारे इंटरेस्ट है कि एमने इलेक्ट्रिक में आगळ वधवुं छे तो अमारो एक फोकस ए छे कि हवे अपकमिंग जे स्टूडंट्स जे आवे छे जे एंजीनियरिंग कम्प्लीट करीने जेमने आगळ जईने रेसिंग में जवुं छे तो ए अहींथी स्टार्ट करी शके छे। खास करीने जे अलग अलग लेवलनी रेसिंग होय छे अलग अलग कार पण होय छे हवे आगळ शुं विचारी रह्या छो कारण के सफलता तो गोकार्ट में मळी चूकी छे? यस, हवे आना पाछळनुं एक सेकंड मॉडल आवशे हाइपर कार्टिंग करीने आवे छे जे एनी स्पीड 150-180 ની आसपास होई शके छे तो आपणे 150-180 ना रेंज सुधी आने लई जई शकीशुं। आनी शुं किंमत छे अने केटलो फायदो थई रह्यो छे पेट्रोलना बदले ईवी में कन्वर्ट करीए तो एनो फायदो ए छे के अत्यारे आ जे मॉडल अमे बनाव्युं छे ए एप्रोक्सिमेटली 1,50,000 आसपास है अने पेट्रोलना व्हीकल में जशो तो ए 2,20,000 आसपास तो सपोज के 50-60,000 રૂપિયાનો तमने आमा बेनिफिट मळे छे प्लस पेट्रोलनो एक्सपेन्स तमारी जोड़े नथी। तो कार रेसिंगनो जेमने शौक छे तेमना माटे विशेष आ गोकार्ट मॉडलनी जे कार छे ते बे मित्रों द्वारा बनाववामां आवी छे अने वात करीए तो 2 લાખની અંદર જે કાર बनीने पेट्रोल में तैयार थती होय छे तेने ईवी में कन्वर्ट करवामां आवी छे, जेनी कीमत अंदाजे 1.5 लाखनी आसपास हाल में थई रही है। लगभग 2 कलाक में चार्ज थाय छे अने एक बार चार्ज थया पछी लगभग 100 किलोमीटर सुधी 90नी स्पीड में आ जे कार छे ते मार्गों पर अत्यारे फरती नजरे पड़ी रही है। कैमरामैन प्रीतेश रावल साथे अतुल तिवारी, गुजरात तक।